Hello students, today we will start with the next poem from Robert Frost, Dust of Snow. ठीक है, dust means एक छोटा सा particle for example, और snow आपका जो बर्फ होती है. ठीक है, the way a crow, एक ऐसा तरीका जिससे कि जो crow है, shook down on me. Me is for the poet, क्योंकि हमें कोई भी character और बताया नहीं गया है, तो इसलिए me जो है वो आपका poet हो जाएगा. Shook down, shook means ऊपर से जब कोई चीज़ shake करती है, जैसे वो for example आगे आप देखेंगे कि किस चीज़ के ऊपर वो बैठा है और उसने क्या गिराया है, तो हम क्या करते हैं पहले पूरा stanza पढ़ लेते हैं. The way a crow shook down on me the dust of snow. So what did he shake? जो crow है उसने क्या गिराया? Dust of snow from a hemlock tree. अब आप पूछेंगे मैम hemlock tree क्या है? बच्चे hemlock tree है एक ऐसा poisonous tree जो कि nature को represent कर रहा है, और जो snow है वो भी nature को represent कर रही, क्योंकि वो human ने तो बनाई नहीं है. तो जो crow है और जो आपका hemlock tree है, ये दोनों चीज़ें और snow, ये सब आपका nature को portray करने के images हैं जो कि poet ने use किया है. अब उसके बाद क्रो ने अभी तक क्या किया है, थोड़ा सा डस्ट ऑफ स्नो ट्री पर बैठकर पोएट के ऊपर गिराया है. जो कि पोएट है वो उसके शेड में बैठा होगा, नीचे बैठा होगा ट्री के. हैज़ गिवन माय हार्ट, इट हैज़ गिवन पोएट्स हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, उसका मूड चेंज हो गया. क्योंकि जो फर्स्ट स्टैंजा है वहाँ पर पोएट जो है वो बहुत सैड है, बहुत ग्रीव्ड है और उदास मन से वो बस बैठा है. बट यहाँ पर आगे वो बताते हैं कि नेचर का जो स्नो है, जैसे ही वो स्नो पोइट के आप बोलेंगे कि कनेक्ट में आता है, उसके रिलेशन में आता है, उसी समय उसका जो पोइट का मूड है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है. एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे, और इसकी वजह से जैसे ही मूड चेंज हुआ, उसका जो पूरे दिन का एक ऐसा हिस्सा था जहाँ पर आधा तो वो बर्बाद कर चुका है सैड हो के, लेकिन जो बाकी बचा हुआ हिस्सा था पोएट के रूटीन का वो उस दिन का बच गया. दैट आई हैड रिव्यूड वन ऑफ द पार्ट्स, उसने ख़राब कर दिया था सैड होकर, लेकिन जो बाकी बचा हुआ पार्ट था वो उस स्नो के फॉलिंग से ठीक हो गया. अब हम दोबारा इस पोयम पे जाते हैं और अब पूरी पोयम के जिस्ट के साथ इसको रिलेट करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल इन द फर्स्ट स्टैंजा द पोएट इज़ वेरी सैड, और वहाँ पर नेचर उसके लिए बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि मतलब कोई भी उसके साथ अभी कनेक्ट में नहीं आया है और अपना नेचर काम कर रहा है. लेकिन जैसे ही नेचर उसके कनेक्ट में आता है और वहाँ से वो स्नो उसके ऊपर गिरती है, तो उसके बाद has given my heart, has given poet's heart a change of mood, mood बिल्कुल change हो जाता है poet का और वो बिल्कुल खुश हो जाता है, और वहाँ से उसका वो बाकी का बचा हुआ दिन बिल्कुल ठीक हो जाता है क्योंकि अब वो sad नहीं है. दूसरी बात बच्चों, आपको ये भी समझना है कि hemlock tree एक poisonous tree है, और उसके अलावा crow, हम लोगों ने अपने घरों में देखा है कि जो क्रो है और जो ऐसे ट्री होते हैं पॉइजनस एनिमल्स होते, जैसे स्नेक है या कोई पॉइजनस ट्री फॉर एग्जांपल हेमलॉक है. अब इनका मीनिंग क्या है हमारी लाइफ में, कि हम इन्हें अच्छा नहीं मानते, हम इन्हें बैड ओमन मानते हैं. बैड ओमन मतलब कि आप नज़र बट्टू जिसको बोलते हैं ना, कि वो चीज़ें नज़र लगाती हैं आपको, आपको उन चीज़ों से दूर रहना चाहिए. तो यहाँ पर क्रो और हेमलॉक दो नेगेटिव इमेजेस को दिखाया गया है जो कि नेचर को पोर्ट्रे कर रहे हैं. लेकिन पोएट ने एक बड़ी मज़ेदार सी बात बताई है. पोएट बताता है कि जो क्रो और हेमलॉक ट्री है, जो कि वैसे तो नेगेटिवली पोर्ट्रे किया गए हैं, हमेशा हमें नेगेटिव ही दिखाई देते हैं कि चलो काला कौवा है, या फॉर एग्जांपल बिल्ली रास्ता काट गई, ऐसी चीज़ें आप समझ सकते हैं अपने माइंड में, आप अपने सराउंडिंग से ले सकते हैं. वहाँ से किस तरीके से एक नेगेटिव चीज़ इतना पोटेंशियल रखती है, इतनी हिम्मत रखती है, इतनी कैपेबिलिटी ताकत रखती है कि वो एक पॉजिटिव रे ऑफ होप लेकर आ सकती है, हमारे मन को अच्छा कर सकती है और वहाँ से पोएट का मूड ठीक कर सकती है. ठीक है, सो दिस वॉज द जस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोएम. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू.